हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ बाजू का डिजाइन। यहाँ पे ब्लाउज का स्लीव डिजाइन मैं शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे दोनों कपड़ा जो है वो मैं नाप करके कटिंग कर ली हूँ। तो मेन कपड़े को रखना है साइड में और अस्तर वाले कपड़े पे कटिंग करनी है। तो ये मैं शॉर्ट स्लीव डिजाइन शेयर कर रही हूँ, लॉन्ग नहीं है। अब देखिए, डबल में फोल्ड करने के बाद ये 9 इंच आ रहा है और इस तरीके से लंबाई 6 इंच है। अब 2.5 इंच डाउन करेंगे आर्म होल की और यहाँ पे मार्किंग कर देना है 2.5 इंच डाउन करते हुए। शॉर्ट्स में 2.5 इंच ही, जब छोटा बाजू हम बनाते हैं तो उसमें 2.5 इंच ही डाउन किया जाता है। और इधर जो आर्म होल की फिटिंग है, बाजू की जो फिटिंग है वो है 6 इंच और प्लस में 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का ले लेना है। और देखिए, जो आर्म होल की फिटिंग का निशान है वो 7 इंच है, वहाँ पर मार्किंग कर देंगे। और इस तरीके से मार्किंग करने के बाद आपस में इस तरीके से मिला लेंगे। जिस तरीके से जितना भी आपका बॉडी का मेजरमेंट है उसी हिसाब से बस स्लीव को कटिंग कर लेना है पहले नॉर्मल तरीके से। अभी देखिए, इस तरीके से बाजू के शेप में इसको कट करके रख लेना है। अब हम डिजाइन के लिए मार्किंग करेंगे। ये देखिए, इधर से पहले क्या करना है कि हमें इसका सेंटर निकालना है, जो लंबाई वाला भाग है उसका सेंटर निकालेंगे। सॉरी, यहाँ पे हमें मार्किंग नहीं करनी है। ये देखिए, ये वाला है जैसे कि इसका सेंटर है जो लंबाई का, वो सेंटर निकाल लेंगे और बीच में एक मार्किंग कर देंगे। अब उसके बाद हमें 1 से 1.5 इंच तक गहराई देना है। मैं यहाँ पर 1.5 इंच गहराई दे रही हूँ, आप अपने पसंद के अनुसार इसको बना सकते हैं। अब ये देखिए, सेंटर की जो मार्किंग है वहां से 2-2 इंच पे छोड़ते हुए मार्किंग कर दे रही हूं मैं। अब इसमें हल्का हल्का गोलाई का शेप देते हुए मार्किंग कर लेना है। अब इसको कट कर लेंगे। ये देखिए गाइस, इसकी कटिंग हो चुकी है। अब इसी को रख करके मेन कपड़े की भी कटिंग कर लेंगे। ध्यान रहे, मेन कपड़े पे जो डिजाइन है वो नहीं कटिंग होना चाहिए, बस जो बाजू का शेप है वही कटिंग करेंगे। अच्छे से बराबर में सेट करते हुए और कपड़े को कटिंग कर लेना है, मेन कपड़े को। अब देखिए, मेन कपड़े का सीधा वाला पार्ट जो है वो ऊपर के साइड रहेगा और उसी के ऊपर हमें अस्तर वाले कपड़े को रखना है और यहाँ पे पिनअप कर लेना है। पिनअप करने के बाद पूरे डिजाइन पे हमें सिलाई लगा लेनी है। कपड़े को, जो मेन कपड़ा और अस्तर वाला जो कपड़ा है, उसको हम 2 पॉइंट छोड़ेंगे सिलाई मार्जिंग में और पूरे राउंड में जिस तरीके से डिजाइन की कटिंग हुई है इसी तरीके से हमें स्टिच कर लेना है। अब ये देखिए, जहाँ पे नोक बनी हुई है डिजाइन की, वहाँ पे हम जो मशीन का सुई है उसको अंदर ही रखेंगे और फिर कपड़े को घुमा लेना है और जिस शेप में है उसी शेप में हमें स्टिचिंग कर लेनी है। अब जो बीच का मेन कपड़ा है उसको भी हम कट करके हटा लेंगे। अब पूरे डिजाइन पे छोटे छोटे से कट लगा देने हैं। जहां पे कॉर्नर बना हुआ है वहां अच्छे से कट लगाएं और कट लगाते समय ध्यान देना है कि धागा बिल्कुल भी नहीं कटे। और हाँ गाइस, अगर आप चाहें तो इसमें बकरम या पेपर पेस्टिंग भी लगा सकते हैं। मैं बिना
बकरम और बिना पेपर पेस्टिंग का ये डिजाइन बना रही हूँ कि जो कपड़ा है वो बनारसी टाइप का है और मोटा है, थीक कपड़ा है, तो इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा थीक है, तो बकरम या पेपर पेस्टिंग की ज़रूरत नहीं। अगर पतले कपड़े पे बनाएं ये वाला डिजाइन तो बकरम का इस्तेमाल ज़रूर करें। अब यहाँ पे देखिए अस्तर वाले कपड़े को अंदर के साइड टर्न करते हुए इसको सीधा करके फिनिशिंग दे देना है और फिनिशिंग की सिलाई भी हम लगा देंगे। बिल्कुल किनारे पर सिलाई नहीं लगाना है, थोड़ा सा एक पॉइंट अंदर के साइड करते हुए हम सिलाई लगा लेंगे पूरे डिजाइन पर। अब जितना भी ओपन साइड है उस पर भी हम सिलाई लगा करके अटैच कर लेंगे अस्तर के साथ मेन कपड़े को। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर के साइड निकल रहा है उसको कट करके हटा देना है। अब ये देखिए बाजू को रखना है साइड में और यहाँ पे मैं एक लंबा सा जो मेन कपड़ा है उसी को लेना और इसकी जो चौड़ाई है वो है 3 इंच और बड़ा सा एक कपड़ा लेना है और एक साइड से इस तरीके से हल्का सा डबल में फोल्ड करते हुए और सिलाई लगा देना है। अगर आपके पास सुविधा है तो आप इसके ऊपर पीको भी कर सकते हैं और इसके ऊपर बस सीधी सिलाई लगा करके इसको फिनिश कर लेंगे। ये देखिए गाइस इसी तरीके से कपड़े को अंदर दबाते जाना है और फिनिशिंग की सिलाई लगाते जाना है। सिलाई लग चुकी है, अब दूसरे साइड से क्या करना है कि पहले जो सिलाई के टांके हैं उसको 5 नंबर पे कर देना है और इस तरीके से बस सीधी सिलाई इसके ऊपर लगाना है, कुछ भी नहीं करना है। अब ये देखिए 5 नंबर बड़ी वाली टांके के साथ जो हम सिलाई लगाएंगे तो अब क्या करना है कि एक साइड से थोड़ा सा हल्का सा देखिए इस तरीके से धागे को ओपन कर लेंगे और एक धागा पकड़ना है और इसको हल्के हल्के हाथों से खींचना है तो इसमें पता एकदम बारीक बारीक फ्रिल बन करके रेडी हो जाएगा। एक ही धागा को पकड़ के खींचना है, दोनों धागे को पकड़ के ना खींचे और ध्यान से खींचे क्योंकि धागा काफ़ी पतला होता है तो धागा टूट जाएगा और बीच में तो फिर खराब हो जाएगा, बेकार लगेगा उससे देखने में। तो इस तरीके से हल्के हाथों से हल्का हल्का खिंचाव देते जाएंगे तो एकदम बारीक बारीक फ्रिल बन करके रेडी हो जाएगा। ये देखिए इसी तरीके से बना करके रेडी कर लेना है दोनों साइड से, एक साइड से भी करेंगे फिर दूसरे साइड से भी करूँगी। तो ये देखिए गाइस आधे कपड़े पे बन चुका है। अब दूसरे साइड से भी धागे को ओपन कर लेना है और इस साइड भी इसी तरीके से हल्के हाथों से खिंचाव देते हुए और सेट कर लेंगे कपड़े को। और ये देखिए इस तरीके से फ्रिल बन करके रेडी हो चुका है। अब इसको अटैच करते हैं स्लीव के ऊपर, तो स्लीव का जो पार्ट है उसको ऊपर रखेंगे सीधा वाला और दोनों सीधे वाले को आमने सामने रखना है और इस तरीके से सेट करते हुए बिल्कुल सीधी सिलाई लगा देनी है। ये देखिए गाइस इसके ऊपर सीधी सिलाई लगा देंगे। अब इसको पलट करके जो मार्जिंग वाला पार्ट है उसको अंदर के साइड करेंगे, उसके ऊपर सेट की सिलाई लगा देना है। इस तरीके से जब आप फ्रिल बनाते हैं तो कम कपड़े में भी अच्छे से फ्रिल बन करके रेडी हो जाता है और इसका लुक अलग दिखता है और जब हम प्लेट्स बना करके फ्रिल बनाते हैं तो उसका लुक अलग दिखता है। अभी देखिए गाइस यहाँ पे फ्रिल अटैच हो चुका है, इसके ऊपर मैं गोल्डन कलर का लैस लगा रही हूँ, आप अपने पसंद का कोई भी लैस लगा सकते हैं। तो लैस के दोनों साइड यहाँ पे सिलाई लगाना जरूरी है तो मैं दोनों साइड सिलाई लगा दूंगी लैस के।
अब ये देखिए गाइस, यहाँ पे लेस लग करके रेडी हो चुका है। अब जो बीच वाला डिजाइन है तो चलिए उसको भी हम पूरा करते हैं। तो यहाँ के लिए मैं एक कपड़े का टुकड़ा ली हूँ जिसकी लंबाई और चौड़ाई 7 इंच है, और इस तरीके से डबल में फोल्ड करते हुए किनारे पे सिलाई लगा देना है। इसका हमें वो बना करके रेडी करना है। अब जितना भी बाहर के साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करके दोनों तीनों तरफ से बराबर कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से बराबर कर लेंगे। अब इसको पलट लेना है। अब पलटने के बाद क्या करना है कि बिल्कुल सेंटर से जो सिलाई वाला है उसको अंदर के साइड रखेंगे बीच में, और बिल्कुल सेंटर से इसको इस तरीके से पकड़ते जाना है छोटे छोटे प्लेट्स जैसे, और इसके ऊपर स्टिच कर देंगे। मैं यहाँ पे मशीन से ही सिलाई लगा दे रही हूँ, आप चाहें तो सुई धागे की मदद से भी सिलाई लगा सकते हैं। अब ये देखिए एक छोटा सा बो बन करके रेडी हो चुका है, तो हम इसको स्लीव के डिजाइन पर लगाते हैं। अभी देखिए स्लीव लेना है और बिल्कुल सेंटर में इसको रख करके पिनअप कर लेना है, बिल्कुल बीचों बीच रखना है। अच्छे से सेट करते हुए पहले इस पर पिन लगा देंगे। पिन लगाने के बाद इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है पक्की वाली, तो एकदम अच्छे से अटैच हो जाएगा। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे मैं सिलाई लगा लेती हूँ। ध्यान रहे पक्की वाली सिलाई लगाएंगे। दूसरी साइड भी सिलाई लग चुका है। अब उल्टे के साइड जितना भी ज़्यादा एक्स्ट्रा आ रहा है वो का कपड़ा, उसको हम कट करके हटा देंगे। बिल्कुल पास से कट नहीं करना है, आधा इंच जितना कपड़े को छोड़ देंगे, और इस तरीके से ये स्लीव का डिजाइन जो है वो बन करके रेडी हो चुका है गाइस। ये देखिए बहुत ही प्यारा इसका लुक आया है, देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ बना है। फ्रिल भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है, और इसके ऊपर ये वाला लेस भी अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहें तो बो के ऊपर मोती या कोई भी बटन अटैच कर सकते हैं। मैं बस ऐसे ही सिंपल ही रख रही हूँ, क्योंकि इसमें गोल्डन कलर कपड़े में प्रिंट भी है तो फिर ज़्यादा गोल्डन हो जाएगा, इसी वजह से मैं नहीं लगा रही हूँ। आप अपने पसंद से इसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ भी समझ में आया हो, तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।